हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ ब्रिजमणि उपाध्याय फ्रॉम प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड दिस इज़ फॉर क्लास सेवन्थ ईयर्स नाइन्थ एंड टेंथ सब्जेक्ट आईटी। ये वीडियो सेकेंड वीडियो है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का, और इसमें मैं आप लोग को जनरेशन के बारे में बताऊँगा। लास्ट वीडियो में मैंने थर्ड जनरेशन तक बताया हुआ था, और इस प्रेजेंट वीडियो में मैं फोर्थ जनरेशन से आप लोग को बताऊंगा। ये क्लास सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ के लिए है सब्जेक्ट आईटी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1975 टू प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय तक 75 से लेके अभी तक का जो टाइम पीरियड है, ये है फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड विद इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में जो कंप्यूटर बने, तो उनका निर्माण स्टार्ट हुआ माइक्रो प्रोसेसर के खोज से। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, देखिए, द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स थाउजेंड ऑफ आईसीज। माइक्रो प्रोसेसर में हज़ारों आईसी इनबिल्ट होते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे थाउजेंड ऑफ आईसीज होते हैं। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टेड हॉफ प्रोड्यूस द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971 फॉर इंटेल। इंटेल कंपनी के लिए टेड हॉफ नाम के इंजीनियर ने, साइंटिस्ट ने, पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया 1971 में। इट वॉज नोन एज इंटेल 4004, और इसको इंटेल 4004 प्रोसेसर के नाम से जाना गया। उस प्रोसेसर का नाम रखा गया इंटेल 4004। द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इम्प्रूव्ड रैपिडली। आईसी की जो टेक्नोलॉजी थी, इंटीग्रेटेड सर्किट की जो टेक्नोलॉजी थी, वो काफ़ी जल्दी जल्दी डेवलप होने लगी, काफ़ी तेज़ी से उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगा, अपडेशन होने लगा। द LSI का फुल फॉर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। द LSI एंड सर्किट एंड VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट वाज डिजाइंड। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में LSI और VLSI सर्किट को डिज़ाइन किया गया। इट ग्रेटली रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर के आ जाने से कंप्यूटर का साइज और भी ज़्यादा छोटा होने लगा। द साइज ऑफ मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर इज यूजुअली 1 square inch। तो जो माइक्रो प्रोसेसर बने जिनमें थाउजेंड ऑफ आईसीज होते थे, उनकी जो साइज होती थी 1 square inch, 1 square inch कितनी बड़ी होती थी। द साइज ऑफ मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर इज यूजुअली 1 square inch। इट कैन कंटेन मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसमें थाउजेंड ऑफ, हज़ारों लाखों इसमें सर्किट्स होते हैं इस प्रोसेसर में। द एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर एप्पल मैकिंटोश एंड IBM PC। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल एप्पल मैकिंटोश, IBM PC, IBM कंप्यूटर हैं। इनके एडवांटेज क्या थे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के? मोर पावरफुल एंड रिलायबल दैन प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और रिलायबल, विश्वसनीय। इनमें वर्क करोगे आप तो रिलायबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। स्मॉल इन साइज, फोर्थ जनरेशन के पहले के जितने कंप्यूटर थे उन सब की अपेक्षा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की साइज़ काफ़ी कम होती थी या काफ़ी कम होती है। फास्ट प्रोसेसिंग पावर विथ लेस पावर कंजम्पशन। इनकी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है और इनमें पावर कंजम्पशन, बिजली की खपत भी काफ़ी कम होती है। फैन फॉर हीट डिस्चार्जिंग एंड थस टू कीप कोल्ड। बोर्ड के ऊपर फैन लगा होता है, CPU में मदरबोर्ड के ऊपर फैन लगा होता है, जो क्या करता है, सिस्टम को हमारे कूल रखता है और हीट को बाहर निकाल देता है। नो एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड। एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती या कम पड़ती है, नहीं ही पड़ती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या था? डिसएडवांटेज, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर।
माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए जो प्रेजेंट टाइम में करंट में हायर टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाता है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करने के लिए। ओके, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो वर्तमान समय में जो चल रहे हैं और आने वाले टाइम में जो कंप्यूटर्स आएंगे इम्प्रूवमेंट होके डेवलपमेंट होके और हायर टेक्नोलॉजी के साथ जो भी कंप्यूटर्स आएंगे वो आएंगे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, जिसको हम 5G बोलेंगे। साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड ऑन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। साइंटिस्ट काफ़ी मेहनत कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के डेवलपमेंट के लिए विथ क्वाइट अ फ्यू ब्रेक थ्रूज, कुछ ब्रेक थ्रूज लेके। इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये जो बेस्ड होगा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इस पर बेस्ड होगा। कहने का मतलब है इस कंप्यूटर में ऐसी क्षमता डाली जा रही है कि वो खुद से सोच समझ सकें। अभी तक के कंप्यूटर्स में क्या है कि उनका खुद का IQ 0 होता है, बट जो अभी फ्यूचर में कंप्यूटर्स आएंगे उनमें खुद की IQ डाली जाएगी कि वो सामने अगर कुछ भी चीज़ें हैं कोई वर्क उनको करना है तो खुद से वो डिसीजन ले सकें कि इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड इंटीमेट ह्यूमन रीजनिंग। कंप्यूटर्स जो होंगे वो बोलने वाले होंगे, सामने अगर उनको कोई कुछ बोलता है तो उसको समझ सकते होंगे और ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में आएंगे। कैन रिस्पोंड इट्स सराउंडिंग यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स। इनमें डिफरेंट अलग अलग तरह के सेंसर्स होंगे जो अपने चारों तरफ के माहौल को समझेंगे, उसको उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर। तो साइंटिस्ट हमारे जो हैं वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं प्रोसेसिंग पावर काफ़ी और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए कंप्यूटर्स की। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट कंप्यूटर विथ रियल IQ। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर बने उनकी रियल अपनी खुद की IQ हो। विद द हेल्प ऑफ एडवांस प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें एडवांस प्रोग्रामिंग हो और टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की हो। IBM वॉटसन कंप्यूटर वन ऑफ एग्जांपल दैट आउटस्मार्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक कंप्यूटर बनाया हुआ है जिसको IBM वॉटसन नाम दिया गया है। द एडवांसमेंट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी विल रिवोल्यूशनाइज द कंप्यूटर इन फॉर फ्यूचर। तो जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी है उनमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके अपडेट करके एडवांसमेंट होगा और अधिक पावरफुल टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, तो ये हमारे कंप्यूटर के फील्ड में भविष्य में क्रांति लाएगी। ओके, तो ये हमारा है फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया, कैटेगराइज किया गया है उसके साइज़ के बेस पर, फंक्शनलिटी के बेस पर और डेटा हैंडलिंग के बेस पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग देखेंगे द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इनके बेस पर कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया, कौन कौन से आधार हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर, साइज के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैसे वो डेटा को हैंडल करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सबसे पहला साइज है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो इसमें है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में आएंगे परम, जैगुआर, रोड रनर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में आएगा IBM Z सीरीज, सिस्टम Z9 एंड सिस्टम Z10 सर्वर। मिनी कंप्यूटर्स में आएंगे पर्सनल लैपटॉप, PCs, डेस्कटॉप। माइक्रो कंप्यूटर में पाम टॉप, नोटबुक, ये जो मोबाइल फ़ोन वगैरह आते हैं ये सभी माइक्रो कंप्यूटर में आएंगे। इसके बाद आता है सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी।
फंक्शनलिटी कैसा वो वर्क करते हैं उसके बेस पर कंप्यूटर को कैटेगराइज़ किया गया है। तो इसमें होते हैं फोर टाइप्स के हैं। सबसे पहला है सर्वर, सेकंड है वर्क स्टेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस और फोर्थ है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम लोग सर्वर देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी, सर्वर आर नथिंग बट डेडिकेटेड कंप्यूटर्स विच आर सेटअप टू ऑफर सम सर्विसेज ऑन द क्लाइंट्स। सर्वर और कुछ नहीं है, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर्स हैं जो सेटअप ऐसे किए जाते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज उनके क्लाइंट्स को दिया जाता है। क्लाइंट कंप्यूटर मतलब जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, पीसी। दे आर नेम्ड डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सर्विस दे ऑफर्ड, इनका नाम होता है कि जिस तरह की सर्विस देते हैं। लाइक एग्जाम्पल सिक्योरिटी सर्वर, डेटाबेस सर्वर। ओके, सेकेंड वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? दोज आर द कंप्यूटर्स डिजाइन टू प्राइमरली टू बी यूज फॉर सिंगल यूजर एट ए टाइम। एक समय में जिस कंप्यूटर पर एक ही यूज़र वर्क करता है उसे वर्क स्टेशन बोलते हैं। वर्क स्टेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? ये आपके लैपटॉप एंड पीसीज आते हैं। दे रन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इन पर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे यूज़र वर्क कर सकते हैं। दे आर द वन विच वी यूज़ फॉर आवर डे टू डे पर्सनल कमर्शियल वर्क, और ये कंप्यूटर्स हैं जो हम डेली यूज़ अपने करते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप। इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस, ये भी फंक्शनलिटी के बेस पर कंप्यूटर्स हैं। दे आर द पोर्टेबल डिवाइस विच आर डिजाइन टू परफॉर्म ए लिमिटेड सेटअप टास्क लाइक बेसिक कैलकुलेशन, प्लेइंग मल्टीमीडिया, ब्राउजिंग इंटरनेट। ये इस तरह के पोर्टेबल डिवाइस होती हैं, मतलब इनको कहीं भी आप ले जा सकते हैं और ये ऐसे बनाए गए हैं, इनमें कुछ लिमिटेड टास्क, लिमिटेड वर्क किए जा सकते हैं, जैसे सिर्फ कैलकुलेशन के लिए या मल्टीमीडिया प्लेइंग के लिए, गेम खेलने के लिए, ब्राउजिंग इंटरनेट, इंटरनेट चलाने के लिए। दे आर जनरली रेफर्ड एज द मोबाइल डिवाइस, इनको जनरली मोबाइल डिवाइस या मोबाइल फ़ोन भी कहा जाता है। दे हैव वेरी लिमिटेड मेमोरी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड जनरली रन ऑन एज इज बेसिस, iOS बेसिस। तो ये ऐसे डिवाइसेज होते हैं, इनकी कुछ लिमिटेड मेमोरी होती है, ठीक है, और ये जनरली वर्क करते हैं iOS के ऊपर। एम्बेडेड कंप्यूटर्स, दे आर द कंप्यूटिंग डिवाइस आर यूज इन अदर मशीन्स टू सर्व लिमिटेड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट। ये ऐसी डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइसेज होती हैं जो अदर्स मशीन्स को कुछ रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं, उनको कुछ सर्विसेज देती हैं। दे फॉलो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट रिबूट और रीसेट। ये कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती हैं जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और इनको रीबूट या रीसेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दे प्रोसेसिंग यूनिट्स यूज इन सच डिवाइस वर्क टू बेसिक रिक्वायरमेंट ओनली एंड आर डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट आर यूज पर्सनल कंप्यूटर बेटर नोन एज वर्क स्टेशन। एम्बेडेड कंप्यूटर्स में आपके वॉशिंग मशीन्स भी आ सकते हैं, जैसे इसमें होता है टाइमर हम सेट कर देते हैं, या आपके जो एडवांस एसी मशीन आती हैं, इन सबको भी एम्बेडेड कंप्यूटर्स बोला जाता है। इनमें सॉफ्टवेयर होता है और प्रोग्रामिंग के बेस पर ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग, डेटा कैसे हैंडल करते हैं उसके बेस पर भी कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है। ये तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर देखिए क्या होता है। An analog computer is a form of computer that uses the continuously chargeable aspects of physical facts such as electrical, mechanical and hydraulic quantities to model the performance being solved. Analog computers as a computer ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो different type के work को perform करते हैं जैसे physical facts इसमें बताया जाता है, electrical, mechanical और hydraulic quantities and anything. It is variable with respect to time and continuous can be claimed as analog. Just like an analog clock measure time by measuring distance traveled for spoken of the clock around the circular dial. तो एनालॉग में भी ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जैसे जो रिएक्टल स्केल आपने सुना होगा, भूकंप मापते हैं कितनी तीव्रता की होती है, तो ये सभी डिवाइसेज एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आते हैं। फिर आता है डिजिटल कंप्यूटर, ए कंप्यूटर दैट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद क्वांटिटीज रिस्पेक्ट एज डिजिट्स।
डिजिटल कंप्यूटर डिजिट के ऊपर वर्क करते हैं, इनका जो आउटपुट रिजल्ट आता है ये डिजिट्स में आता है, नंबर्स में आता है, और एनालॉग में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिजल्ट देते हैं ग्राफ के बेस पर। दे डिजिटल कंप्यूटर्स यूज द बाइनरी नंबर सच एज 0 एंड 1। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं 0 एंड 1 को। कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। डिजिटल कंप्यूटर कैपेबल होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग करके। फ्रॉम मैनिपुलेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द बाइनरी डिजिट्स इट कैन परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ऑर्गेनाइज एनालाइज डेटा, कंट्रोल इंडस्ट्रियल एंड अदर प्रोसेसेस एंड सिमुलेट डायनेमिक सिस्टम सच एज ग्लोबल वेदर पैटर्न। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या करते हैं, इनका यूज़ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में करते हैं, डेटा ऑर्गेनाइज, डेटा को एनालिसिस करने के लिए, कंट्रोल इंडस्ट्रियल एंड अदर प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक क्षेत्र में भी हम डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू, और इस तरह के और भी डायनेमिक सिस्टम्स होते हैं, और ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को भी रीड किया जाता है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ए कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ द डिजिटल कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल, कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल, प्रोसेस देम इन डिजिटल फॉर्म। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर्स के डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल को, इन्फॉर्मेशन जो इनमें जाता है वो एनालॉग सिग्नल्स में जाता है, और इसको कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में रिजल्ट को दिखाया जाता है, ये होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड डिजिटल कंप्यूटर्स का एग्जांपल है लैपटॉप, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप। हाइब्रिड कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा होगा जो ईसीजी मशीन होती है, मेडिकल फील्ड में यूज की जाती है, तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर में आते हैं। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो डिफरेंट टाइप की इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक मेमोरी, ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी, वर्सटिलिटी, डिजिलेंस, डिलिजेंसी, एक्यूरेसी, स्पीड। ये डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पीड। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट है स्पीड। स्पीड मीन्स तीव्रता। ए कंप्यूटर वर्क विथ मच हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी कंपेयर टू ह्यूमन। एक मनुष्य की अपेक्षा बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेशन करता है कंप्यूटर। वाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है तो एक मनुष्य से ज़्यादा तेज़ी से और शुद्धता के साथ में कैलकुलेशन को करता है। कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, लाखों इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। द टाइम टेकन बाई कंप्यूटर फॉर देयर ऑपरेशन इज माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड। कंप्यूटर के द्वारा जो भी कार्य करने के लिए टाइम लिया जाता है वो हम माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में मेजर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी। कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन विथ 100% एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो भी वर्क करता है, परफॉर्म करता है 100% शुद्धता के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ। एरर्स में अकर ड्यू टू डेटा इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी। इनमें एरर तभी आता है जब डेटा हमारा इनकरेक्ट हो, अदरवाइज 100% एक्यूरेट डेटा हमारा रिजल्ट होगा। डिलिजेंसी, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियन ऑफ टास्क और कैलकुलेट विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। एक कंप्यूटर मिलियन ऑफ टास्क को कैलकुलेट करता है सेम कंसिस्टेंसी, बिना थके बिना रुके। इट डज नॉट फील एनी फैटीज और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ये थकान महसूस नहीं करता, इसकी कंसंट्रेशन ख़त्म नहीं होती। इट्स मेमोरी ऑल्सो मेक इट सुपीरियर टू दिस ह्यूमन बींग्स। इसकी मेमोरी जो होती है, इसकी रैम जो रोम होती है, यही इसको मनुष्य से अलग बनाती है। वर्सेटिलिटी रिफर टू द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क विद द सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। वर्सेटिलिटी मीन्स होता है कि एक ही समय में डिफरेंट टाइप के वर्क
सेम स्पीड के सेम तीव्रता के साथ करता है। रिलायबिलिटी, ए कंप्यूटर इज अ रिलायबल एज इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डेटा। इफ वी गिव सेम सेट ऑफ इनपुट एनी नंबर ऑफ टाइम्स वी विल गेट द सेम रिजल्ट। कंप्यूटर रिलायबल होता है और कॉन्स्टेंट रिजल्ट देता है, जो भी हम डेटा इसको देंगे उसके बेस पर ये हमें रिजल्ट देता है। ऑटोमेशन, कंप्यूटर परफॉर्म ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली, दैट इज़ परफॉर्म टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। कंप्यूटर सभी टास्क को अप ऑटोमेटिकली खुद से ही परफॉर्म करता है, मतलब जो भी हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके बेस पे वो आगे परफॉर्म करेगा, रिजल्ट हमें देगा। इसको मैनुअली परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेमोरी, ए कंप्यूटर हैज़ बिल्ट इन मेमोरी कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी वेयर इट इज स्टोर डेटा। सेकेंडरी स्टोरेज आर रिमूवेबल डिवाइस सच एज सीडीज, पेन ड्राइव। कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी होती है, जिसकी कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी होती है, पहले से लगी हुई मेमोरी होती है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। इट स्टोर डेटा इन सेकेंडरी स्टोरेज, कंप्यूटर डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होती हैं, जैसे सीडी, पेन ड्राइव, ईटीसी, विच ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा, जिनमें डेटा भी स्टोर किया जाता है। आई क्यू ज़ीरो, कंप्यूटर और डम मशीन विद जीरो आई क्यू। कंप्यूटर एक डम मशीन है, उसको खुद सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उसको जो प्रोग्राम हम बताएंगे उसी पर वर्क करता है। दे नीड टू टोल्ड ईच एवरी स्टेप्स, उसको हर एक स्टेप पर बताने की ज़रूरत होती है, प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत होती है कि हाउ एवरी मिनट में भी, कि कैसे वो वर्क करे। तो ये था हम लोग का आज का वीडियो। इसके बाद आपको नोट्स दिया जाएगा, आप लोग क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करने रहेगा, नोट्स बनाने रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।